हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ और वीडियो की शुरुआत करते हैं इन प्यारे से फूलों के साथ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गुलाब के पौधे की, कैसे हम बरसात में केयर करें जिससे कि हमारा प्लांट जो है विंटर सीजन में फ्लावरिंग के लिए बहुत हेल्दी बना रहे, क्योंकि बरसात के मौसम में ही इन प्लांट्स पर तरह तरह की बीमारियों के अटैक होते हैं, पेस्ट के अटैक होते हैं, जिसमें डाईबैक, फंगस, मिली बग्स का अटैक, थ्रिप्स का अटैक, वाइट फ्लाइज का अटैक, कई तरीके के पेस्ट इन पर अटैक करते हैं और प्लांट हमारा शॉक में चला जाता है। तो आज आपके साथ वो सारी बातें शेयर करेंगे जिन इन चीज़ों से अपने प्लांट को हम कैसे बचा सकते हैं इस बरसात के मौसम में। अगर हमने बरसात के मौसम में अपने प्लांट को हेल्दी बना लिया तो विंटर सीजन में हमारा प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से अपनी मिट्टी को, अपने प्लांट की मिट्टी को हम एक हेल्दी सॉयल या रिच सॉयल बना सकते हैं ह्यूमिक एसिड का यूज करके। वो रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप एक बार यूज़ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में रोज़ पर बहुत अच्छा वर्क करता है ह्यूमिक एसिड, सारे प्लांट्स पे करता है। आप किसी भी प्लांट में डालिए उसको, गर्मी के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपने इंडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं उसको, 15 दिन में एक बार शेड लविंग प्लांट्स में भी दे सकते हैं, किसी भी प्लांट को दीजिए। देखिए, गुलाब के फूल जो हैं या गुलाब का पौधा जो है एक बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी ज़्यादा केयर चाहिए होती है इसको समर में और रेनी सीजन में। अगर इन दो मौसम में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है तो प्लांट आपका विंटर सीजन के लिए बहुत हेल्दी रहता है फ्लावरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आप एक बात को ध्यान करी रखिए कि अपने प्लांट की आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अभी अक्टूबर में हार्ड प्रूनिंग करते हैं जब विंटर स्टार्ट होते हैं उससे पहले। और इसके अलावा आपको जिस तरीके से ये देखिए फूल जो हैं ड्राई हैं, इनको कट करके निकालते रहिए। कोई लीव्स ख़राब हो रही हैं, पीली पड़ गई हैं, उनको काट दीजिए। या फिर कोई ब्रांचेस देखिए जिन्होंने काला होना शुरू कर दिया है, इसको बोलते हैं डाई बैग। अगर कोई ब्रांच काली होना शुरू हो गई है तो यानी कि आपके प्लांट में डाई बैग की प्रॉब्लम हो रही है। आप इसको कैसे बचाएंगे? तो आपको कोई भी एक टूल लेना है, कटर लेना है, सीजर लेना है, उसको आप सैनिटाइजर से क्लीन करिए पहले, सबसे पहले। उसके बाद इसको तिरछा कट लगा देना है इसमें, बिल्कुल इसको काट कर निकाल दीजिए, लगभग 2-3 इंच नीचे से इसको कट कर दीजिए। और उसके बाद आपको इसमें फंगीसाइड का यूज़ करना है जो अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी रूट्स में भी हमें ये फंगीसाइड देना होता है। ये साफ फंगीसाइड हम यूज़ करते हैं, आपको नर्सरी पर और भी फंगीसाइड मिलेंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फंगीसाइड है, ये साफ फंगीसाइड। और ये आप इसकी जैसे जिस तरीके से ये देखिए नीचे जो है ये, इसमें आप स्टेम में इसको लगा दीजिए फंगीसाइड को, तो फंगस लगने का रेनी सीजन में कोई डर नहीं रहता है प्लांट को। तो इसका आप यूज़ करेंगे, इसको लगाएंगे, इस हल्का सा इस फंगीसाइड का पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट को आप एक ब्रश से इस तरीके से देखिए, एक ब्रश लिया, ये पेस्ट बनाया हमने पानी मिक्स करके, और एक ब्रश लिया और इसकी नीचे स्टेम में जो है इसको ब्रश से ऐसे लगा देंगे। इसको लगाने से जो नीचे रूट्स के पास से कहीं से भी इसमें फंगस का कोई डर नहीं रहेगा। और इस फंगीसाइड को 15 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में घोल कर आपको अपने प्लांट को देना भी है। आप इसकी मिट्टी में दे दीजिए इसको, जिससे कि मिट्टी में जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए जो आपने ब्रांच कट करी हैं उन पर भी इसको लगा दीजिए। तिरछा कट हमें लगाना है हमेशा, जिससे कि पानी नहीं रुकता है, तिरछा कट इसीलिए लगाते हैं। और इसके बाद ये जो है इसका साफ फंगीसाइड को आपको ब्रश से इस पर लगा देना है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो ये क्राफ्ट एरिया होता है इसके नीचे से अगर कोई भी ब्रांच निकल कर आ रही है, वो बहुत ग्रीन ब्रांच निकल कर आती है, वो जंगली ब्रांच होती है, सकर ब्रांच भी बोलते हैं उसको, जिससे कि प्लांट हमारा बहुत घना हो जाता है, हमको लगता है कि ग्रीन ब्रांच है इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और वो हमारे प्लांट को जो है वो जंगली बना देती है और प्लांट का खाना खाती है और प्लांट को फ्लावरिंग करने नहीं देती है। तो उस ब्रांच को आप कट करके निकालते रहिए। हमारे किसी भी प्लांट में वो ब्रांच नहीं है, वरना हम आपको दिखाते कि वो किस तरीके से दिखाई देती है। वो ब्रांच एक बिल्कुल ग्राफ्ट पोर्शन से नीचे से निकल कर आती है, उसको आप कट करके निकाल दीजिए। उसको बिल्कुल भी प्लांट में नहीं रहने देना है, वो प्लांट का खाना खाती है और एक्स्ट्रा खाना खाती है, प्लांट को बिल्कुल वीक कर देती है।
तो ये हो गए पॉइंट्स आपको, फंगिसाइड का एप्लीकेशन देखिए आपने पता बता दिया हमने आपको कि किस तरीके से करना है। इसके बाद अब आपको पेस्टिसाइड यूज़ करना है हर वीक अपने प्लांट पर, जिससे कि स्केल, थ्रिप्स, माइट्स, ब्लैक बग्स, मिली बग्स किसी का भी अटैक ना हो आपके प्लांट पर, और प्लांट पर बहुत अच्छी सी ग्रीन सी लीव्स आएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बर्ड्स पर अटैक ज़्यादा करती है और न्यू लीव्स पर, क्योंकि न्यू लीव्स अच्छी लगती हैं इन थ्रिप्स माइट्स को खाने में, इसलिए ये इन पे न्यू लीव्स पे या बर्ड्स पर ही अटैक करती हैं। तो आप अपने प्लांट पर जो है एक नीम ऑयल का, नीम ऑयल वो नहीं लेना है जो पानी में तैरता रहता है, एक ऑयल वो होता है नीम ऑयल, आप लीजिए नर्सरी से या फिर ऑनलाइन मंगाइए, केवल जो प्लांट पर यूज होता है उस नीम ऑयल का लीजिए। और आपको एक चम्मच जो है टी स्पून नीम का ऑयल जो है 1 लीटर पानी में मिक्स करिए, और उसको अच्छे से मिक्स करके शाम के टाइम, आपको फंगिसाइड का यूज़ भी शाम के टाइम करना है बिल्कुल, और आपको पेस्टिसाइड का यूज़ भी शाम के टाइम करना है, क्योंकि रात में प्लांट हमारे खाना नहीं बनाते हैं, तो इनकी लीव्स पर जब पेस्टिसाइड होगा तो इनको खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें दिन में नहीं देना चाहिए, लीव बर्न हो जाती है। शाम के टाइम ही आप पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो भी चीज़ें हैं आप शाम के टाइम अपने प्लांट्स को दीजिए। तो पेस्टिसाइड नीम का ऑयल आप स्प्रे करिए अपने प्लांट पर, अगर किसी पेस्ट ने अटैक किया है तो आपको हर तीसरे दिन इस पर एप्लीकेशन करना है। सुबह के टाइम अपने प्लांट को धो दीजिए, शाम को फिर से नीम ऑयल का स्प्रे करिए। उसके अलावा एक सुपर सोनाटा आता है, ये भी ऑर्गेनिक है, नीम ऑयल भी ऑर्गेनिक है, प्लांट को गर्मियों में बर्न नहीं करता है, इसकी भी आपको 100 बूंदें जो हैं, 100 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इस पर डालेंगे अगर, तो पेस्ट का अटैक जो है बहुत हद तक कम हो जाता है। तो देखिए ये हमने पेस्टिसाइड आपको बताया, ये ऑर्गेनिक है, ये प्लांट को बर्न नहीं करते। नीम थर्ड डे, अगर आपके प्लांट पे ज़्यादा अटैक हो चुका है तो आपको हर तीसरे दिन करना है, जब तक कि पेस्ट बिल्कुल चला नहीं जाता। मॉर्निंग में प्लांट को धो देना है, शाम को फिर से इस चीज़ का, ये पेस्टिसाइड का आपको स्प्रे करना है बहुत अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप बिल्कुल भी जिनको मिस ना करें, इस रेनी सीजन से पहले आप अगर अपने प्लांट की केयर कर लेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा विंटर सीजन तक। इसके अलावा प्लांट की गुड़ाई करते रहें, बिल्कुल भी मिट्टी में कोई भी ये जैसी जिस तरीके से ये पड़ी हुई हैं लीव्स फूल की, इनको भी हटा दीजिए, कोई भी लीव्स खर पतवार कुछ भी हो उसको गुड़ाई करके निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें से भी प्लांट में फंगस लगने का रूट्स में डर रहता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।